वीकली हॉरोस्कोप 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक जी आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन उनके लिए भी ये वीकली हॉरोस्कोप की जो फुल कंटेंट है किन लोगों को फुल कंटेंट की जरूरत है सभी को जरूरत नहीं है ऐसे वो तमाम लोग जिनकी इस आने वाले वीक के अंदर कोई मीटिंग चल रही है इनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कोर्ट की डेट है इन्वेस्टिगेशन की डेट है कोई इंटरव्यू है कोई एग्जाम है कोई टेस्ट है कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनने जा रहा है आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस बनानी है आने वाले वीक में तो वीकली उन तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है उसका रीजन ये है कि फुल कंटेंट के अंदर आपको पता चलता है पूरा पूरी बात पता चलती है प्रिव्यू okay, के अंदर तो हम आपसे एक चीज शेयर करते हैं कंक्लूजन कंक्लूजन हम आपसे शेयर कर देते हैं प्रिव्यू के अंदर जो फ्री व्यू होता है लेकिन फुल कंटेंट के अंदर हम आपसे शेयर करते हैं ट्रांजिट ट्रांजिट बताता है इन्वायरमेंट क्या है माहौल कैसा बनेगा कंक्लूजन बताता है आपके एक्शन और रिएक्शन कैसे होंगे उपाय पद्धति है कि आप अगर वीक थोड़ा टफ है डिमांडिंग है वीक में सपोर्ट नहीं है तो वीक को बैलेंस आप कैसे कर सकेंगे एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन को उपाय पद्धति से प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना चाहिए चैंटिंग मंत्र साधना किस तरह से आप स्पिरिचुअल बूस्ट ब्लेसिंग ले सकते हैं स्पिरिचुअली आप किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं मंत्र साधना के द्वारा अगर आपको लगता है कि आपको प्रीमियम कंटेंट लेना चाहिए जिसमें पूरी बात पता चले जिसमें आपके एक्शन रिएक्शन पता चले जिसमें आप ये बताएं ये देखें कि भाई इसमें अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो उसको किस तरह से आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके उसको बैलेंस करें क्या आपको नहीं करना चाहिए और किस तरह से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग लेके आप आप थोड़ा बूस्ट लेके आ सकते हैं प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो फिर आपको वेबसाइट पे जाना होगा प्रकाश डॉट कॉम वेबसाइट पे जाएं फुल विक्री हॉरोस्कोप के कॉन्टेंट लें उसको इंप्लीमेंट करें क्योंकि okay, हमारे कोई भी हॉरोस्कोप रिपोर्ट सिर्फ प्रोडिक्शन नहीं है वो अप्लाइड है अगर उस उसमें सिचुएशन बताई है कि ये टाइम पीरियड ऐसे है ऐसे अगर नेगेटिव बातें की जा रही है तो उसको बैलेंस करने का साधन भी आपको बताया जा रहा है ये नहीं कि आपको पता ही नहीं बताया नहीं है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन बैलेंस करने की कोई बात है ही नहीं मैं पूरा बैलेंस करने का आपको पूरा खुलासे से बता देता हूँ कि क्या आप कर सकते हैं आगे आपकी चॉइस है एंड एंड ऑफ द डे वो आपको डील कर रहे हैं वो आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं नहीं करना चाहते परहेज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते मंत्र साधना करना चाहते हैं मंत्र नहीं करना चाहते वो आगे आपके ऊपर है लेकिन हम आपको पूरी ऑप्शन दे रहे हैं पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन ये पूरी रिपोर्ट है एरीज इस आने वाले वीक का कंक्लूजन आप सबके लिए कंक्लूजन इस एरीज के लिए इस आने वाले वीक का सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि इस पूरे वीक के अंदर जिसके पास पावर अथॉरिटी है वो आपके लिए थोड़ी बहुत टेंशन पैदा करेगा लेकिन फिर भी आपको अवार्ड्स मिलते रहेंगे बहुत सारे आपके शत्रु होंगे जिनको आप डोमिनेट करने में कामयाब होंगे दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी मन की इच्छाएँ पूरी होंगी धन संपदा मिलेगी प्रोफेशनली आप प्राइज़ करेंगे बहुत से अच्छे काम भी करेंगे कामयाबी मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद शत्रु कई बार आपके लिए टेंशन पैदा कर सकता है पैसे का नुकसान हो सक हो सकता है ठगी से चोरी से फ्रॉड से जर्नीज पे आप जाएं पर्सनल जर्नीज़ हो प्रोफेशनल जर्नी हो रिवार्ड अच्छे होंगे प्रोफेशन में आप राइज करेंगे अपोजिशन बहुत मिलेगी आपको कई बार फैमिली से मिल जाएगी इस पूरे वीक के अंदर घर के थोड़ा तनाव होगा आपको भी कई भाई बहनों को लेके फैमिली मेंबर को लेके थोड़ी बहुत टेंशन भी होगी बहुत सारी आपकी सीक्रेट डिजायर पूरी होंगी लेकिन आप किसी से बात नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट ना करें एरिज इस आने वाले वीक के अंदर सूर्य बुद्ध केतुल अष्टम भाव में है हेल्थ का ध्यान रखें प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डिसीजन का बहुत ध्यान रखें और राहु की पोजीशन दूसरे भाव में है मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखिए बोलचाल चाल की भाषा का ध्यान रखिए फ्लो ऑफ इनकम में कोई रुकावट ना आ जाए उसका बहुत ध्यान रखिए चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड चोरी ठगी से आपका नुकसान ना हो जाए उससे भी बचें अपनी ज़ुबान से किसी का अपमान ना करें किसी के सम्मान को ठेस ना पहुँचाएँ वीर आपके नाइन्थ हाउस में है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे साथी का आशीर्वाद लेंगे बहुत तरक्की होगी मंगल सप्तम भाव में है गुस्से की आंच को कम करें नहीं यार नहीं बात नहीं तो आप अपनी जुबान से दुश्मन पैदा कर लेंगे और अपनी हर बात में तलखी ना लेके आए हर बात पे फ्रस्ट्रेशन ना लेके आए किसी का जुबान से अपमान ना करें शनि दशम भाव में है शनि दशम भाव में ये टाइम पीरियड ऐसा है इस टाइम के अंदर अपने प्रोफेशनल डिसीजन अपने पर्सनल डिसीजन ठीक ठाक बनाए कॉम्युनिकेशन अपनी दुरुस्त रखें बृहस्पति ग्यारहवें भाव में है बृहस्पति का ग्यारहवें भाव में आना ये मैं ऊपर नहीं कहना चाहूंगा इनकम के रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज तो आप पे बहुत मिलेंगी लेकिन ये आप पे भी है कि उन उन अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके पास टाइम है आपके पास रिसोर्सेज है आपके पास बैकिंग है या आपकी विल है वहां पर अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलेगा आपको पूरा चंद्रमा के गोचर का फल जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपके चॉइसेस आपकी हेल्थ आपकी हार्मोनी आपकी हैप्पीनेस कैसी है पूरे वीक के अंदर एक्सटेंसिव विक्री की रिपोर्ट बताएगी ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरी हो प्रकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना में किस तरह से साधना करके आप अपने आप को अपनी जिंदगी में अपने दक्ष को प्राप्त कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से उभर सकते हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रोलॉजर डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट ले उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव जो बेस्ट ये, ये तंजीद में कहूंगा कि इस वीक के अंदर दिमागी परेशानी बहुत होगी टॉरस को नेगेटिव थिंकिंग से बचें लोगों से जालस ना हो अपने आप को नेगेटिवली वाइंड ना करें हेल्थ वाइज सर दर्द हो आईसाइट हो ध्यान रखें शत्रु बहुत होंगे उनका आप दमन भी कर देंगे लेकिन बहुत एफर्ट डालनी पड़ेगी और आमदन में राइज़ हो जाएगी फेवर आपको अथॉरिटी की मिल जाएगी प्रोफेशनली आप राइज करेंगे जर्नीस में रिजल्ट अच्छे हैं मान मर्यादा आपकी बढ़ेगी आगे बढ़ेंगे तरक्की करेंगे बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको फेवर देंगी स्टेटस में राइज होगी बिजनेस पे पैसा मिलेगा इस टाइम के अंदर हेल्थ का ध्यान रखें पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट पैदा ना होने दें और इस समय हेल्थ का ध्यान रखें इस टाइम के अंदर अपने और फैमिली मेंबर का और अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखें बिजनेस में पैसे बनाने के मौके बहुत मिलेंगे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी सुपीरियर की सपोर्ट सु� मिलेगी शत्रुओं का दमन हो जाएगा एफर्ट लगाते रहें कामयाब आप होंगे लिटिगेशन में आप आगे बढ़ के आएंगे तरक्की करेंगे स्टेटस में राइज होगी हार अथॉरिटी की फेवर मिलेगी पोजिशन आपकी इंप्रूव होगी आप आगे बढ़ेंगे टॉरस से आने वाले वीक के अंदर सूर्य बुद्ध केतु सप्तम भाव में है पर्सनल रिलेशनशिप में बिटनेस को खत्म करें लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बचें लड़ाई झगड़े से बचें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो तो वैजी हैंडल करें अगर मन में कहीं मन आपका मेला हो गया है किसी के प्रति उस रिलेशनशिप को ठीक करना ही पड़ेगा वो चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो अथॉरिटी से कोई पंगा ना ले लें लीगल बैटल में कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर शुरुआत भी गई हो तो उसको बहुत वाइजी हैंडल करना पड़ेगा राहु की लगन में राहु आपके लगन में नेगेटिव थिंकिंग तो दूर रखें हर बात में अपनी ईगो मत घुसेड़े ईगो आपकी हर जगह मदद नहीं करेगी चंद्रमा आपके दूसरे भाव में जुबान की मिठास आपके लिए जुबान की मिठास आपकी शक्ति बन सकती है विन षष्टम भाव में अपनी मैरिड लाइफ का पार्टनर की हेल्थ वेलबींग का बहुत ध्यान रखें मंगल आपके छठे भाव में शत्रु पर नजर रखें अपनी हेल्थ वेलबींग का बहुत ध्यान रखें अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश ऑस्ट्रोलॉजर डॉट कॉम कम्पलीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलेगी कंप्लीट वीक का एनालिसिस मिलेगा चंद्रमा के गोचर का फल क्या है वो आप प्राप्त करेंगे इस आने वाले वीक के अंदर <laughs> पता चलेगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपके चॉइसेस आपकी हेल्थ आपकी हारमोनी आपकी हैप्पीनेस कैसी होगी एक्सटेंसिव वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी आपको ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं मुश्किल पड़ने पर जिनको आपको करना चाहिए प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना में किस तरह से किस मंत्र की साधना से आप बूस्ट लेके आ सकते हैं मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश ऑस्ट्रोलॉजर डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट लें उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट जय के लिए विक्री हॉरस्कोप जो विक्री है 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर इस आने वाले वीक के अंदर आपका कंक्लूजन क्या होगा ये जो पूरा वीक है इसमें कंक्लूजन मिलेगा क्या इस टाइम इस पूरे वीक के अंदर धार्मिक यात्राओं में जाने का मन बन सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फैमिली मेंबर्स को लेके घर में खुशी के फंक्शन होंगे धन संपदा बनाने के पैसे मिलेंगे आपकी कॉमन सेंस बहुत सारे नए आइडियाज़ लेके आएगी गाड़ी मिलेगी तरक्की करेंगे फाइनेंशियल लॉसेस से बचे बच के रहें अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें काम में थोड़ी रुकावट हो सकती है एजुकेशन को लेकर थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल हो सकते हैं दिमागी परेशानी से बचें फजूल खर्चे ना करें फजूल की बातों में ना जाए मन की छाएँ पूरी हो जाएंगी पैसा आपका धन संपदा बढ़ेगी आप बहुत तरक्की करेंगे इस टाइम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी विचार कर लें बिजनेस में प्रॉफिट आपको मिल जाएगा आप सक्सेसफुल हो जाएंगे शत्रुओं का दमन हो जाएगा कामयाबी आपको मिलेगी आमदन के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे फिजूल के खर्चे ना करें दिमाग में परेशानी बहुत होगी फिजूल की बातों पे अगर जब डिसीजन बनाना होता है विचार कर लें लड़ने झगड़ने से गुरेज करें पेट का ध्यान रखें छाती का ध्यान रखें विचार करें अपने आप को मुश्किलों से दूर करें जमुना इस आने वाले वीक में शनि अष्टम भाव में है एट्थ हाउस में है अपने आप को एक्सीडेंट से चोट वोट से बचा के रखें मैरिड लाइफ का ध्यान रखें प्रोफेशनल डिसीजन सुन के बनाएँ फ्लो ऑफ इनके भी नजर रखें राहु बारहवें घर में है चीटिंग रिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें कोई माली नुकसान से बचें सूर्य बुद्ध केतु छठे भाव में है ये टाइम पीरियड अपनी हेल्थ और वेलबींग को शत्रु पर नजर रखें मंगल की पोजिशन पंचम भाव में हर बार गुस्सा ना करें हर बात पे ओवर एक्ट ना करें अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम कम्प्लीट विकली ले जिसमें पता चलेगा इस आने वाले वीक के अंदर में चंद्रमा के गोचर का फल क्या है जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपकी चॉइसेस आपकी हेल्थ हार्मोनी हैप्पीनेस कैसी है एक्सटेंसिव वीकली हॉर्स्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस आने वाले वीक के अंदर ज्योतिष के किन उपायों को आपको करना चाहिए अगर आप मुश्किल दौर में फंसे हुए हों प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना में क्या किस मंत्र की साधना के प्रयोग से आप मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं और सुप्रम से अचीव कर सकते हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश डॉट कॉम कंप्लीट विक्री हॉरस्कोप की रिपोर्ट लें उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट कैसे वाला वीक का पूरा हॉरस्कोप क्या आपको मिलेगा सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इस आने वाले वीक के अंदर जो कंक्लूजन में क्या आपको मिलेगा कंक्लूजन में आपके समक्ष पेश करता हूं इस आने वाले वीक में कंक्लूजन में है क्या उसको आपके समक्ष पेश करता हूँ कंक्लूजन के अंदर इस कैंसर इनके लिए इस आने वाले वीक में स्टेटस में राइज हो जाएगी बहुत सारी बातों पे डिसअपॉइंटमेंट होगी कई बार अपने अपने प्यारों के बीच में कुछ बातों को लेकर दुराव हो जाएगा कई बार दिमाग में हो सकता है घर बदल दिया जाए बाहर चला जाए इस समय अपनी अकल का प्रयोग करें सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी फैमिली लाइफ में कंफर्ट हो जाएगी कंफर्ट आपको मिलेगी नाम मिलेगा तरक्की मिलेगी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं कामयाब होंगे हार्ड स्टडीज में जा रहे हैं कामयाब होंगे अपने अपने प्यारों के बीच में बिछड़ा को बिछड़ ना जाए किसी ऐसी बात ना हो जाए आपके अपने प्यारों के साथ आपको बिछड़ना पड़े प्लीज बहुत सारी सीक्रेट टेंशन होंगी जो शायद किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे गुस्से की आज को कम करें बहुत ज्यादा गुस्सा घर में ना लेके आए जितना क्रोध आप लेके आएंगे नेगेटिव एनर्जी के रूप में फूट पड़ेगा फजूल खर्चे ना करें ये तो ज्यादा फिजूल खर्चे करेंगे कर्जे चढ़ जाएंगे अपने और रिश्तेदारों के बीच में फैमिली मेंबर्स के बीच में अपने प्यारों के बीच में दुराव ना पैदा करें कई बार आपका फोकस नहीं भी होगा प्रोफेशनल राइज आपकी हो जाएगी आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा तरक्की आप करेंगे कैंसर सीरे वाले वीक में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें और इस टाइम के अंदर अपनी इस कोई भी डिसीजन बिना सोचे विचारे ना करें चंद्रमा बारहवें घर में है इमोशनल होकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन ना बनाएं इस समय पैसे की इन्वेस्टमेंट को स्पेकुलेशन में ना करें सूर्य बुद्ध केतु आपके पंचभाव में है किसी उलझन से बचें टेक्निकल इश्यू से बचाव करना होगा लीगल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो जाए राहु आपके ग्यारहवें घर में है हार अथॉरिटी से मार ना पड़ जाए इसका ध्यान रखिए सोच विचार के कोई भी डिसीजन बनाना हो विचार करके बनाए किसी कंसल्टेंट से सलाह मशवरा जरूर करें अगर लीगल की कंसल्टेशन आपको चाहिए शनि सप्तम भाव में अपनी सही सप्तम भाव में कम्युनिकेशन के अंदर कोल्ड एटीट्यूड ना दिखाएं जितना आप वार्म होंगे कम्युनिकेट करेंगे उतने रिजल्ट अच्छे होंगे जितना आपका एटीट्यूड रूड होगा और बहुत स्टबल होगा उतना आपका नुकसान होगा अगर आप चाहें साल का कंप्लीट वीकली हॉरिस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारे वेबसाइट प्रकाश ऑस्ट्रोलॉजी कंप्लीट वीकली हॉरस्कोप की पूरी रिपोर्ट लें चंद्रमा के गोचर का फल मिलेगा जो बताएगा आपका विजन आपकी इजेशन आपके डिसीजन आपके चॉइसेस आपकी हेल्थ आपकी हार्मोनी आपकी, आपकी हैप्पीनेस एक्सटेंसिव वीकली एक्सटेंसिवरस्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस आने वाले वीक के अंदर ज्योतिष के कौन से उपाय आपको कर ही लेने चाहिए मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए मंत्र साधना में क्या आपको करके आप किसी भी अकम्पलिशमेंट को हासिल कर सकते हैं और मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट ले उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव बेस्ट लियो के लिए वीकली हॉरस्कोप 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा लियो कंक्लूजन के रूप में कंक्लूजन रूप में लियो के लिए ये आने वाला वीक आपके लिए समक्ष क्या देगा सबसे पहले कंक्लूजन के रूप में इस आने वाले वीक के अंदर ये पूरे वीक के अंदर खुशियाँ मिलेंगी तरक्याँ मिलेंगी नेम ऑफ फेम मिलेगा प्रोफेशनल राइज करेंगे धन संपदा आप अर्जित करेंगे लियो इस टाइम के अंदर आपकी अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें होंगी जर्नीज़ में आगे जाएंगे कंफर्ट आपको मिलेगी खुशहाली आपको मिलेगी शत्रुओं का दमन होगा मुश्किलें आसान होंगी सक्सेस लिटिगेशन में आपको मिल जाएगी ये पूरे वीक के अंदर मन की इच्छाएं पूरी होंगी धन संपदा आपको मिलेगी आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा लियो घर में खुशहाली होगी घरेलू जिंदगी में प्यार मोहब्बत इश्क बढ़ेगा सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी गाड़ी की डील बन सकती है प्रॉपर्टी की डील बन सकती है माँ बाप से खुशी मिल जाएगी आशीर्वाद मिलेगा पैसे बढ़ाने के मौके मिलेंगे नेम ऑफ फेम में राइज होगी बहुत सारे डिस्प्यूट्स में आप इन्वॉल्व होंगे पेट का ध्यान रखिए बहुत सारे अपने आप को थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें गवर्नमेंट इम्प्लॉय से लड़ाई झगड़े बहुत होंगे उनसे बचें प्रोफेशनल स्टेटस में राइज़ हो सकती है घरेलू जिंदगी में तूफान पैदा ना करें शत्रुओं का दमन हो जाए ये बहुत ज़रूरी है और इस पर नज़र भी रखें स्टेटस प्रश्न में राइज होगी आप आगे बढ़ेंगे आप तरक्की करेंगे मन की इच्छाएँ पूरी होंगी आप बहुत कामयाब होंगे आपके पर्सनल एफर्ट आपके लिए रिवार्ड लेके आएगी सूर्य बुद्ध केतु चौथे भाव में है हर जगह पे लड़ाई झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें मन में परेशानियां बहुत होंगी लेकिन उसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा शनि की पोजिशन छठे भाव में है अपनी सेहत पे नज़र रखें बीमारी पे नज़र रखें शत्रु पे नजर रखें राहु आपके दशम भाव में है प्रोफेशन में कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगे टेक्निकल इशूज़ भी होंगे बड़ा ध्यान से आपको चलना पड़ेगा मंगल आपके तीसरे भाव में है इस समय लोगों के साथ लड़ाई झगड़े से पेश ना आए किसी का अपमान ना करें वीनस आपके पंचम भाव में है वीरस पंचमभाव में ये टाइम पीरियड ऐसा है इस टाइम के अंदर ओवर एक्ट ना करें एक्टिव बने क्रिएटिव बने डायनामिक बने रिजल्ट अच्छे हैं अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जितना आप एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे उतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट मिलेगी अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली विकल्लीस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारे वेबसाइट प्रकाश कंप्लीट वीकली कॉम होरोस्कोप का रिपोर्ट लें चंद्रमा के गोचर का फल क्या है जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपके चॉइसेस, आपकी हेल्थ आपकी हार्मोनी आपकी हैप्पीनेस अक्सर से विक्री हॉर्स्कोप की रिपोर्ट बताएगी ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर मुश्किल दौर से गुजर रही हो प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना में किस मंत्र की साधना की उपासना से आप किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं और सिचुएशन से उबर सकते हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम कंप्लीट की रिपोर्ट लें उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट वर्गो की बात करेंगे 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर इस आने वाले वीक का कंक्लूजन वर्गो आपके लिए है क्या कंक्लूजन में क्या है इस पूरे वीक के अंदर पहला बात इस पीरियड स्पीरियड इस के अंदर फैमिली मेंबर के साथ थोड़ी बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं कड़वाहट हो सकती है हेल्थ कई बार ठीक होगी लेकिन पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें घरेलू जिंदगी में कई बार गुस्सा ज़्यादा होगा ईगो ज़्यादा होगी ईगो और एग्रेशन की वजह से कई बार आपस में बहसबाजी बहुत होगी शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं फजूल की बातों पे हो सकते हैं एजुकेशन में आप राइज करेंगे लेकिन एजुकेशन अगर आपका फोकस कंसनट्रेशन ना हुआ तो पढ़ाई लिखाई में रुकावट पैदा हो जाएगी नेगेटिव एटीट्यूड से बचें नेगेटिव एटीट्यूड से फिजूल की बातें ना करें ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी पर्सनल करेज आपका बढ़ेगा शत्रुओं का दमन हो जाएगा मुश्किलें आसान होंगी बिजनेस एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत सारी रिवार्ड लेके आएगी लक्ष्य आपके पूरे होंगे नेम ऑफ फेम बढ़ेगी धन संपदा मिलेगी आप राइज करेंगे जनरली खुशहाली मिलेगी फैमिली लाइफ से आपको बहुत सारी फेवर्स हो जाएगी फिजूल के खर्चे जरूर से ज्यादा ना करेंगे तो कर्जे चढ़ जाएंगे प्यार मोहब्बत जितना देंगे उतना मिलेगा गुस्से की आंच को कम करें तमीज से पेश आए इस पूरे वीक में नेम फेम ऑनर अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी तरक्की आप करेंगे शत्रुओं का दमन होगा बहुत सारी मतलब लोगों की सुपीरियर की फेवर आपको मिलेगी सपोर्ट आपको मिलेगी मिलेगी लोग आपको आपको गाइड करेंगे ऑफिशियल काम आपके बन जाएंगे आप इस आने वाले वीक में बृहस्पति छठे भाव में सेहतुओं पे, पे नजर रखें और शनि आपके पंचम भाव में है ले बैक एटीट्यूड करें एक्टिव क्रिएटिव बने अपनी वेलबींग में जितनी ज़्यादा आप एफर्ट डालेंगे उतने रिजल्ट अच्छे होंगे चंद्रमा की पोजीशन दशम भाव में है प्रोफेशनल डिसीजन बनाते हुए विचार करें थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें राहु आपके नाइन्थ हाउस में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें सूर्य बुध केतु तीसरे भाव में जितनी अच्छी होगी कम्युनिकेशन उतनी बड़ी होगी आपकी अपॉर्चुनिटीज अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप का एनालिसिस लें जिसमें चंद्रमा के गोचर का फल मिलेगा जो बताएगा आने वाले वीक में आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन चॉइसेस हेल्थ हार्मोनी हैप्पीनेस कैसी होगी अक्सट वीकली हॉर्स्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस आने वाले वीक में ज्योतिष के कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना में किस उपासना किस किस मंत्र की उपासना आपके लिए फलदायक होगी और किस मंत्र की उपासना से आप बहुत कुछ उपलब्धियाँ आपको मिलेंगी किसी मुश्किल का हल भी आपको मिल जाएगा आप सिचुएशन से बाहर आने में सक्षम हो जाएंगे तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश कंप्लीट वीकली होरस्कोप की रिपोर्ट लें उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव यो बेस्ट लिब्रा की बात करेंगे लिब्रा के लिए 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर लिब्रा जी आपके लिए इस आने वाले वीक के अंदर लिब्रा जो मैं कहना चाहूँगा कंक्लूजन के तौर पे इस आने वाले वीक में दिमाग की परेशानी बहुत होगी और आप हर बात पे एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ओवर एक्ट भी करेंगे तो कई बार जरूर से ज़्यादा बोल देंगे जो कहीं नहीं बोलना चाहिए शत्रु बढ़ जाएंगे पैसे आपके बन जाएंगे नेमोफेम में राइज़ होगी डिग्निटी में राइज़ होगी शत्रु आपका बहुत कई बार तंग भी करेंगे लेकिन आप उनको डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे आपकी नॉलेज लर्निंग में राइज़ होगी प्रॉपर्टी से गाड़ी से टेंशन मिलेगी आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे नेम में भी राइज होगी भाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस साल इस पूरे वीक के अंदर चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें के खर्चे ना करें और दोस्त मित्र आपको सपोर्ट कर देंगे और आप जो भी काम करेंगे उस पर कामयाबी मिलेगी सक्सेस मिलेगी आगे बढ़ेंगे मन की इच्छाएं पूरी होंगी धन संपदा आपको मिलेगी गेन आपका होगा तरक्की आप करेंगे पैसे बनाने के मौके मिलेंगे ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी आप राइज करेंगे लिब्रा के लिए वीकलीब्री फोकास्ट वीक मन से बाईस नवंबर से लेके अट्ठाईस नवंबर ये वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा लिब्रा सूर्य बुद्ध केतु आपके दूसरे भाव में है फ्लो ऑफ इनकम पर नजर रखें हाँ बिना सोचे विचारे को इन्वेस्टमेंट ना करें राहु आपके अष्टम भाव में है हेल्थ को लेकर कोई इशू हो पेट को लेकर कोई शाप पेन हो छाती में कोई पेन हो बहुत ध्यान रखें हेल्थ का ध्यान रखें मैरिड लाइफ में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को अपने आप से दूर रखें और कई बार मुकद्दर की सपोर्ट आपको नहीं भी मिलेगी शनि चौथे भाव में है मन बड़ा उदास होगा फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन जारी रखें कम्युनिकेशन बंद ना करें मंगल लगन में होगा हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें हर बात पे गुस्सा ना दिखाएं बृहस्पति पंचम भाव में है एक्टिव क्रिएटिव डायनमिक होंगे तो बहुत तरक्की होगी अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जिसमें चंद्रमा के गोचर का फल बता चलेगा जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन चॉइसेस, हेल्थ हैप्पीनेस इस आने वाले में की रिपोर्ट के अंदर वो ऐसे कौन से उपाय हैं ज्योतिष के जो आपको करने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना ऐसी कौन सी है जिसकी उपासना करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश ऑस्ट्रॉलोजर डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरिस्कोप की रिपोर्ट लें उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट स्कॉर्पियो 22 नवंबर से लेके अट्ठाईस नवंबर तक स्कॉर्पियो ये आने वाला वी वीक के अंदर कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन के तौर पे स्कॉर्पियो जो अगर मैं कहूँ ये आने वाले वीक के अंदर घरेलू जिंदगी में कई बार बहुत तलखी होगी कई बार आपके और आपके प्यारे के बीच में कोई बातें हो सकती हैं जो खलल के रूप में आए इसमें लगता है कई बार हम अपने से बिछड़ जाएंगे या ऐसी बातें बहुत होंगी ये टाइम पीरियड में धन संपदा बिजनेस में बनेगी लैंड में बनेगी प्रॉपर्टी में बनेगी और गेन बढ़ेगा घरेलू जिंदगी में खुशहाली भी होगी लेकिन ये मैं कहना हूँ बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी तब खुशहाली होगी वैसे नहीं इस पूरे वीक के अंदर हर अथॉरिटी की फेवर आपको मिल जाएगी आमदन में तरक्की होगी शत्रुओं का दमन होगा बहुत ज्यादा ओवर इंथूजियाजम ना लेके आए आपकी अंडरटेकिंग सक्सेस लेके आएगी धन संपदा लेके आएगी आपको फेवर मिल जाएंगी गवर्नमेंट अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी नया बिजनेस इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा मेंटली तौर पे खुशहाली होगी आपकी अपनी इंटेलिजेंस से आप अर्निंग करेंगे इस टाइम के अंदर स्टेटस पैसेज में राइज करेंगे फ्रेंड्स की सपोर्ट मिलेगी बेनिफिट आपको मिलेंगे कंपनी की सपोर्ट मिलेगी मन की इच्छाएँ पूरी होंगी कामयाबी आपको मिलेगी पैसे बनाने के मौके मिलेंगे शत्रुओं का दमन होगा बहुत सारी परेशानी से आपको जूझना पड़ेगा पेट का पेट दर्द से बचे आई इन्फेक्शन से बचें कफ से बचें बहुत परेशानी हो सकती है हेल्थ कई वजहों से बहुत सफ़र करेगी बहुत सारी आई साइट को लेकर बड़ा इशू होगा हार अथॉरिटी की बातों को ले बड़ा इशू होगा थोड़ा ध्यान से चले तमीज़ से पेश आए स्कॉर्पियो वाले वीक पे सूर्य बुध केतु लगन में है सोच विचार करके अपने डिसीजन बनाएं हर बात पे ओवर एक्ट ना करें उलझन हो तो किसी कंसल्टेंट से बातचीत ज़रूर करें राहु आपके सप्तम भाव में है मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा मत करें। लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। हर बात पे आग बबू लड़ना हो चंद्रमा अष्टम भाव में है मन में खुशी भी नहीं होगी इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना होगा मंगल आपके में भाव में है किसी को पैसा उधार ना दे बिना सोचे विचारे को इन्वेस्टमेंट ना करें चोरी ठगी से बच के रहें आईसाइट का ध्यान रखें अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश ऑस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट में चंद्रमा के गोचर का फल क्या होगा पता चलेगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजंस, आपके चॉइसेस, आपकी हेल्थ आपकी, आपकी, आपकी हार्मोनी हैप्पीनेस कैसी होगी एक्सटेंसिव विकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट के अंदर ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना में क्या किस मंत्र की उपासना करके आप अपने फल को फली फलीभूत कर सकते हैं कौन सी अकम्पलिशमेंट ले सकते हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट सेंजरीस 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा सर से सेंजरीस इस आने वाले वीक के अंदर कंक्लूजन क्या होगा कंक्लूजन में अगर बात की जाएगी तो इस आने वाले वीक के अंदर कंक्लूजन के तौर तो पे शत्रुओं का दमन हो जाएगा हेल्थ पहले से अच्छी होगी धन संपदा आपको मिलेगी कम्फर्ट में राइज होगी प्रोफेशनली आप राइज करेंगे दोस्तों मित्रों का संगम बहुत अच्छे इफेक्ट लेके आएगा इस टाइम के अंदर अपने आप को लॉस ऑफ मनी से बचा के रखें प्रोफेशनल लॉसेस से बचा के रखे ठगी से चीटिंग से फ्रॉड से बचा के रखे इस आने वाले वीक में अच्छे काम भी होंगे आपकी अर्निंग में राइज होगी वेल्थ के लॉस से बचेंगे आप आई आईसाइट का बहुत ध्यान रखें अपनी औरल इन्फेक्शन से बचें पेट को लेकर कोई ना कोई इशू चलेगा शत्रु बढ़ेंगे उनकी वजह से मुसीबतें बहुत होंगी खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे मन की इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी लग्जरीज लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे प्रोफेशनली आप राइज करेंगे स्टेटस में राइज़ करेंगे प्रमोशन आपकी बढ़ेगी आमदन बढ़ेगी तरक्की करेंगे खर्च आपका होगा लेकिन आपका खर्च कई बार फजूल चीज़ों पे भी हो सकता है कई बार नेसेसिटीज़ पे भी हो सकता है लेकिन खर्च बहुत बढ़ेगा इस टाइम के अंदर अपनी रेपूटेशन का ध्यान रखें कोई आपको किसी बात पर फंसा ना दे लड़ने झगड़ने से गुरेज करें आप प्रोफेशनली राइज करेंगे नेम ऑफ फेम मिलेगा आमदन में रसूख अच्छी हो आमदन होगी प्रोफेशनली आप राइज करेंगे बिजनेस आपको धन संपदा देगा कंफर्ट आपको मिलेगी पैसे बनाने के मौके मिलेंगे फैमिली लाइफ पहले से अच्छी होगी सोर्स ऑफ कंफर्ट आपका बढ़ेगा आप तरक्की करेंगे इस आने वाले वीक में शनि की पोजीशन दूसरे भाव में है फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें बिना सोचे विचारे बातचीत ना करें किसी की किसी को अपने अहम से ईगो से अहंकार से चोट ना पहुँचाएं सूर्य बुध केतु बारहवें घर में है लीगल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचें बिना सोचे विचारे कोई पैसा ना खर्च करें ना इन्वेस्टमेंट करें राहु छठे भाव में है पेशाब को लेके कोई प्रॉब्लम हो पैरों में तकलीफ हो हेल्थ का ध्यान रखें चंद्रमा सप्तम भाव में है कंपानियनशिप से बहुत एफक्ट बहुत ज्यादा आप आपको सपोर्ट मिलेगी किसी भी नेगोशिएशन में आप जीत सकते हैं कोई धन संपदा हासिल कर सकते हैं मरे हुए पैसे जिंदा हो सकते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस पार्टनरशिप पर सपोर्ट आपको मिल जाएगी मंगल ग्यारहवें घर में है इनकम की रिसोर्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी ये आप पे भी डिपेंड करता है कि उन अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या आपके पास टाइम है एनर्जी है रिसोर्सेज है साधन बहुत मिलेंगे ज्वाइंट वेंचर में आप आगे बढ़ेंगे अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश है जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपकी च्वाइस आपकी हेल्थ आपकी हारमोनी आपकी हैस्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस आने वाले वीक में अंदर आपके ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर मुश्किल दौर से गुजर रहे हो प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना किस मंत्र की उपासना से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जीत सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश और डॉट कॉम कमरेड्री रिपोर्ट ले उसको इंप्लीमेंट करें बेस्ट नवंबर से लेकर अट्ठाईस कैपीकोन आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा कंक्लूजन की फॉर्म के अंदर कंक्लूजन में देखा जाए कैप्रिकॉन इस आने वाले वीक के अंदर अपने आप को किसी या नेगेटिव मोशन से दूर रखें दिमागी परेशानी बहुत होगी अपने आप आपको नेगेटिवली अप ना होने दें लैक ऑफ फोकस लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से रुकावटें बहुत होंगी लेकिन फिर भी अपनी प्रोफेशनल एफर्ट्स को राइज करें आप राइज करेंगे स्टेटस बढ़ेगा तरक्की होगी आमदन के रिसोर्सेज अच्छे होंगे फेवर्स आपको मिल जाएंगे अथॉरिटी कंप्लिसमेंट आपको मिलेगी ट्रैवल बिजनेस में आपको सक्सेस देगा आपके स्टेटस प्रेसिस में राइज होगी अच्छी इच्छाएँ आपकी पूरी होंगी बिजनेस आपके लिए सोर्स ऑफ गेन लेके आएगा धन संपदा आपको मिलेगी आप राइज करेंगे खर्च बहुत ज़्यादा होगा आमदन से ज़्यादा खर्च होगा इस टाइम के अंदर स्टेटस में राइज होगी फ्लो ऑफ इनकम में राइज़ होगी लेकिन धन संपदा भी आपको मिलेगी लेकिन मेहनत के साथ प्रमोशन आपकी होगी प्रोफेशन में आप राइज करेंगे अथॉरिटी अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी शत्रुओं का दमन होगा कामयाबी आपको मिलेगी लेकिन अपने आपको सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी ना बनने दें कोई अपनी रेपोटेशन का ध्यान नहीं कोई आपको ब्लेम ना करे सूर्य बुद्ध केतु अलेवंथ हाउस में है ज्वाइंट वेंचर को अगर आप लीड कर रहे हैं तो टेक्निकल इश्यूज पे ध्यान दें सक्सेस आपको मिल जाएगी राहु पंचम भाव में है एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करें अगर आप किसी टेक्निकल इशू में इन्वॉल्व हो शायद कानून की मार ना पड़ जाए या हायर अथॉरिटी की सपोर्ट शायद आपको ना मिले वहाँ पे थोड़ी बहुत रिजर्वेशन रह सकती है चंद्रमा आपके छठे भाव में है हेल्थ का हारमोनी का हैप्पीनेस का ध्यान रखें शत्रुओं पर नजर रखें बैक स्टैबिंग से बचें विरस बारहवें घर में है पैसे का खर्च बहुत हो सकता है उसको कई बार आप रोक नहीं सकते कई बार वो पैसा खर्च लग्जरीज पे होगा लाइफ पे होगा मंगल आपके दशम भाव में है इनकम के रिसोर्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी प्रोफेशनली आप फुल हो जाएंगे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आप बहुत तरक्की करेंगे मार्स दशम भाव में है अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें किसी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए लेकिन आप अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ जाएंगे अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश स्ट्रॉलोजर डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट का में मिलेगा पूरा वीक का एनालिसिस जो बताएगा चंद्रमा के गोचर का फल जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपके चॉइसेस, आपकी हेल्थ आपकी हैप्पीनेस कैसी होगी एक्सटेंसिव वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट बताएगी ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए जब मुश्किल के दौर से अगर आप गुजर रहे हो प्रिकॉशंस में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना में किस मंत्र की साधना के प्रयोग से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जीत सकते हैं लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रोल .com, डॉट कॉम कंप्लीट की रिपोर्ट ले उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट के लिए 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2021 हजार के लिए आने वाले वीक के अंदर सबसे पहले किन, जो कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन के तौर ये कहना चाहूँगा इस आने वाले वीक के अंदर फैमिली की लाइफ से सपोर्ट आपको मिल जाएगी बिजनेस आपका प्रोडक्टिव रहेगा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा धन सम्पदा आपको मिलेगी मन की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी आप स्टेटस प्रेसिस में राइज करेंगे पैसे बनाने के मौके मिलेंगे आप बहुत राइज करेंगे स्टेटस में राइज होगी नाम होगा तरक्की होगी अथॉरिटी एकलिशमेंट आपको मिलेगी पैसे बनाने के मौके मिलेंगे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर आप परफॉर्मर हैं एक्टर हैं और क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट हैं किसी भी तरह के और अगर आपका बिजनेस फैशन डिजाइनिंग से है क्रिएटिविटी से है बहुत राइज करेंगे जर्निस्ट भी आपके लिए रिवार्ड लेके आएंगे स्टेटस पैसेज में राइज बढ़ेंगे राइज करेंगे दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी पैसे बनाने के मौके मिलेंगे आप बहुत तरक्की करेंगे जनरल प्रोग्रेशन आपका होगा अथॉरिटीज़ आपके लिए सपोर्टिव होंगी कंफर्ट आपको मिलेगी आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा डिसीज़न जो आप बनाएंगे वो अच्छा होगा और सक्सेस आपको मिलेगी मन की इच्छाएँ पूरी होंगी राहुल चौथे भाव में है कई बार मन में परेशानी बहुत होगी फोकस नहीं होगा कंसेंट्रेशन नहीं होगी बेचैनी बहुत होगी अपने आप को लीगल कॉन्फ्लिक या लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखे या प्रोफेशन में या फैमिली लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होनी चाहिए शनि बारवें घर में है रातों की नींद कई बार हराम होगी परेशानी मन में होगी कई बार आपको आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन में आप होंगे इस आने वाले वीक में अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले इस आने वाले वीक के पूरी वीक की रिपोर्ट आपको बताएगी चंद्रमा के गोचर का फल वो भी उससे पता चलेगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपकी चॉइसेस, आपकी हेल्थ हार्मोनी हैप्पीनेस कैसी होगी एक्सटेंसिव विक्री की रिपोर्ट बताएगी ईशान वाले वीक के अंदर ऐसे ज्योतिष के कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना मंत्र साधना में ऐसा कौन से मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश डॉट कॉम कंप्लीट विक्रियोस्कोप की रिपोर्ट लें उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव यो बेस्ट बाईस नवंबर से लेकर 28 नवंबर दो हज़ार इक्कीस इस आने वाले वीक का कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन के तौर पे बात करेंगे कंक्लूजन इस आने वाले वीक का सबसे पहले कंक्लूजन कंक्लूजन के तौर पे देखें इस पूरे वीक के अंदर आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा मुश्किलें आसान हो जाएंगी जो फेवर आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी परेशानियाँ आपकी ख़त्म होंगी प्रोफेशन में आप राइज करेंगे आपकी हर प्रोफेशनल एफर्ट सक्सेस के रूप में आएगी घर में खुशी होगी शांति होगी तरक्की होगी शत्रुओं का दमन होगा डिग्निटी में राइज़ करेंगे प्रोफेशन में राइज़ करेंगे स्टेटस में ऑनर मिलेगा आगे बढ़ेंगे तरक्की करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होंगी प्रोफेशनली आप राइज़ करेंगे मन की इच्छाएँ पूरी होंगी धन संपदा आपको मिलेगी जर्नीज के रिवार्ड अच्छे होंगे सक्सेस आपको मिलेगी हाई अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी दोस्तों मित्रों से सम्मान मिलेगा आप आगे बढ़ेंगे जो हार अथॉरिटी की सपोर्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगी गाड़ी मिलेगी तरक्की करेंगे बिजनेस में डीलिंग आप आगे करेंगे नया रेजिडेंस शायद अगर आपको नया रेजिडेंस से नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगी पेट दर्द से बचें दिमाग अपना ठीक रखें आगे बढ़ें वैसे जैसे आने वाले वीक में बृहस्पति बारहवें घर में है खर्च सोच समझ के करें कई बार आप बहुत आउट ऑफ कंफर्ट जोन में होंगे सूर्य बुध केतु नाइन्थ हाउस में है मुकद्दर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है मंगल आपके अष्टम भाव में है हर बात पे गुस्सा ना करें हर बात पे भड़क ना जाएं। राहु आपके तीसरे भाव में है इतनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतने अच्छे रिजल्ट होंगे अगर आप चाहें से आने वाले वीक के अंदर कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रोलॉजर डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले चंद्रमा के गोचर का फल क्या है जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपके चॉइसिस आपकी हेल्थ आपकी हारमोनी आपकी हैप्पीनेस एक्सटेंसिव वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं मुश्किल पड़ने पे जो आपको कर ही लेने चाहिए ताकि आप मुश्किल से बाहर आ जाएं प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना एज ए डिसिप्लिन चैंटिंग में किस मंत्र की साधना करके किस मंत्र की साधना के प्रयोग के बल से आप किसी भी अपनी अकम्पलिशमेंट को हासिल कर सकते हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश डॉट कॉम कंप्लीट की रिपोर्ट लें उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट